मन बना के हम का देहलो एहसान हो, दूधवा पिया के माई कैलू जवान हो, आपन बना के हम का देहलो एहसान हो, कैसे भूली तोहार एहसनमा हो, नयन मास नीर पर से तनिको न भावे घर अंगनमा हो, नयन मास नीर पर से। दोस्तों, हमारे तमाम मेहमानगण उपस्थित हैं, इनकी दुआएं और तमाम लोगों की दुआएं, चूंकि हर एक अपने आप में जितने लोग आज हाजिर हैं, यकीनन माँ के रूप लिए यहां बैठी हुई हैं, और कहूंगा कि ये भी कहूंगा मेरे दोस्तों माँ के हवाले से, चूंकि माँ ऐसा शब्द है कि जिनका जिक्र कर नहीं सकते, वर्णन कहीं कर नहीं सकते। और चंद अशआर हाजिर करता हूं दोस्तों बतौर खास कौमी एकजहती के हवाले से, और ये भी कह लीजिए कि ईद मिलन समारोह भी है, चूंकि ईद चल ही रही है, हाजिर करता हूं, सुने। माँ के हवाले से ये है कि हर एक एहसास के हक को अदा तो कर ही लेती है, हर एक एहसास के हक को अदा तो कर ही लेती है, कहाँ है दर्द ये उसका पता तो कर ही लेती है, मेरे चेहरे को तक कर आसमां को तकने लगती है, मेरी माँ गूंगी है लेकिन दुआ तो कर ही लेती है, माँ मेरी गूंगी है लेकिन दुआ तो कर ही लेती है, मेहनत के वज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से हस्बे जरूरत नहीं मांगी, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। लोग अपनी औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके, लोग पूरी करते रहते हैं सब बीबी की फरमाइशें, मगर बूढ़ी माँ का चश्मा भी नहीं बनवा सके। दोस्तों, बूढ़ी माँ कहती है अगर दिल पे छू जाए ये शेर तो हाजिर दुआएं दे दीजिएगा, कि माँ कहती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता, अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी, मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। आइए हाजिर करता हूं, सुने दोस्तों। हो लाख अंधेरी रात सही, हो रात अंधेरी रात सही, ओ लाख अंधेरी रात सही, हम प्यार का दीप जलाएंगे, हम राह वफा के राही हैं, हम राह वफा के राही हैं, बस प्यार के गीत सुनाएंगे। अभिषेक भाई सुनेंगे, यहां से शेर समझ में आ जाए वाहवा करेगा, ना समझ में आए तो वाह करिए, कुछ करिए, भारत सब चलता है। ताले ले बजाएंगे तो हमारे भी कुछ हौसला हिम्मत हो जाएगी। देखिए जर्मन चेयरमैन साहब माशाल्लाह बैठे हैं, यदि आज मिल जाएगी यहीं पे इंशाल्लाह। हाजिर करता हूं, सुने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, कोयल के गीत सुहाने हैं, शीतल है पवन भी पुरवाई, ये फूल बिखर के दुनिया में, ये फूल बिखर के दुनिया में, बस खुशबू ही फैलाई है, हम राह वफा के राही हैं, बस प्यार के गीत सुनाएंगे। और ये विषय बतौर खास, वो ईद हो चाहे दिवाली कर, सुने सलिंदर भाई आपकी मुस्कुराहट तोड़ देती है, वो ईद हो चाहे दिवाली, खुशियों की बिखेरे हरियाली कर अपने दिए को तू रोशन, कट जाएगी ये शब काली, बन जाना राही है,
हैं बस प्यार के गीत सुनाएंगे। बन जाना वीर भगत सिंह तुम। आदरणीय हमारे गुरु जी की तरफ से ढेर सारे 500 रुपए से आपने नवाजा, इस्तकबाल, स्वागत, अभिनंदन, आपकी मोहब्बत को मैं सलाम करता हूँ, पेश करता हूँ, सुने। बन जाना वीर भगत सिंह तुम, हम भी हमीद बन जाएंगे। हम राह वफा के राही हैं बस प्यार के गीत सुनाएंगे। सिलसिले का आखिरी शेर मध्य की शक्ल में हाजिर करता हूँ चेयरमैन साहब अतर खास। अशफाक भगत बस प्यार के गीत सुनाएंगे। हम राह वफा के राही हैं बस प्यार के गीत सुनाएंगे। फिर से अपने पत्थर को हम खुदा बना बैठे। आपके रूप को छूते हुए दिल पटक कर जाए अभिषेक भाई, देखिएगा कैमरा ऑन रखिएगा। एक हसीन पत्थर को हम खुदा बना बैठे। सर कहाँ झुकाना था और कहाँ झुका बैठे। एक हसीन पत्थर को हम खुदा बना बैठे। हमारे बेहतरीन कवि भी हैं, हालांकि इनका गला नहीं है, लेकिन ये हमारे सुनिए शायर हमारे बहुत बड़े पालकी सर जानते होंगे कि मुस्तफा आजमी लिखने का एक माहिर शायर, उस्ताद शोहरत शायर थे, उस्ताद थे, वैसे कलम के सिपाही, कलम के बादशाह हमारे ब्रजेश भाई हैं। खैर, जो भी हमारे बड़े भाई हैं, आप लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, हम भी लिखते हैं, खुद पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी आवाज को हर जगह अपने आप की कविता को भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हाजिर करता हूँ, सुने। इस फरेब दुनिया को हम समझ नहीं पाए। अभिषेक भाई इतना गौर समझ सुन लीजिएगा, ताली बजाना भूल जाएगा। दांत के साथ साथ उस पॉकेट से अगर खाद निकलता है तो सोने पर सुहागा हो जाता है, ध्यान देंगे। इस फरेब दुनिया को हम समझ नहीं पाए। और किससे दिल लगाना था, किससे दिल लगा बैठे। सर कहाँ झुकाना था और कहाँ झुका बैठे। और आगे शैलेंद्र सर, आगे बेवफा बेवफाई की जो लगाई है तूने, आग बेवफाई की जो लगाई है तूने, हम तेरी मोहब्बत में अपना दिल जला बैठे। सर कहाँ झुकाना था और कहाँ झुका बैठे। सिलसिले का आखिरी शेर देखे, उनके मुस्कुराहट का चमकता हुआ चेहरा, प्यारी सी स्माइली चेयरमैन साहब, उनके मुस्कुराहट का कुछ सबब नहीं मालूम। अरे वो जो मुस्कुराए तो हम भी मुस्कुरा बैठे। सर कहाँ झुकाना था और कहाँ झुका बैठे। दर पे आया हूँ तुम्हारे सवाली बनकर, दीप बनकर, कभी पूजा की थाली बनकर, ईद के दिन मैं तुम्हें मिलने चले। और
ये सरयू नदी जो जीवनदायी है और माँ गंगा मोक्षदायी है, दोनों का हम लोग मिलन कराएंगे। और अंत में बस आप लोगों से यही कहूंगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग मत कीजिए। इसके लिए हमने राष्ट्रपति तक दिया था, अभी कल पेपर में फिर आया है अपने, और आप लोग अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए। और सावित्री मैडम के लिए मैं यही कहूंगा, कौन कहता है कि अकेला क्या कर सकता है, देखो सूरज को सारा जहां। कि जब हम अपने मायके में थे तो स्कूल से आते थे या सर्विस करके ही आते थे तो माँ जो है पानी लेके खड़ी रहती थी। आज वो हमें सच में नसीब नहीं होता है, और हम सच में हम लड़कियाँ हम औरतें जो है अपनी माँ को कुछ ज्यादा ही मिस करते हैं। तो जो भी है, हमें कभी कभी बड़ा सा ही अफसोस होता है, क्योंकि मैं कोई काम नहीं करती थी कभी मायके में, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि काश मैंने अपनी माँ के लिए कुछ किया होता। लेकिन आज मैं जाती हूँ तो वो सभी कसर पूरी करती हूँ, मैं चाहे जिस तरह से भी उनकी हेल्प। नमस्ते, मैं अभिषेक, और आज मातृ दिवस है तो आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मेरे साथ आज मौजूद हैं मऊ जनपद के मशहूर शायर हैं और शब्दों के जादूगर हैं। इनके शब्दों में मातृ दिवस को कैसे मनाएं, माँ के प्रति जो भावना है आपके शब्दों में हम जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आप सोशल मीडिया के जरिए दिखा रहे हैं मुझे, अभिषेक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर मनोहर राणा साहब के शेर के साथ मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ कहने की कोशिश करूँगा। वो मेरे गुनाहों को इस तरह धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। माँ चूँकि ऐसा शब्द है जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते, आज मातृ दिवस के अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। और आप सबकी खिदमत में आपका ये खादिम नाचिए शायर सलमान घोसवी, घोसी ज़िला मऊ, सलाम अर्ज करता है। चंद शेर हाजिर करता हूँ, सुने। माई बिना सुना घर अंगनवा हो, नयनवा से नीर बरसे, तन को न भावे घर अंगनवा हो, नयनवा से नीर बरसे, माई बिना सुना घर अंगनवा हो, नयनवा से नीर बरसे, चार महीनवा में अचरा ओढ़ाई के गोद में सुतवलू माई दूधवा पियाई के, जाग जाग हो जाग जाग कैली बिहनवा हो, नयनवा से नीर बरसे, दूधवा पिया के माई कैलू जवान हो, आपन बना के हमका देहलू एहसान हो, दूधवा पिया के माई कैलू जवान हो, आपन बना के हमका देहलो एहसान हो, कैसे भूली अरे कैसे भूली तोहार एहसनवा हो, नयनवा से नीर बरसे। शुक्रिया, बहुत ही शानदार। और इनको पूछना क्या है, शब्दों के तो जादूगर हैं ही, लेकिन जिस शब्दों में माता के प्रति भक्ति हो, भाव हो, उन शब्दों की अहमियत और बढ़ जाती है। तो शुक्रिया, आपने गाया। और व्यस्तम है, देखिए कितने व्यस्त आदमी हैं, इनको समय अभाव रहता है, देखिए इनकी डिमांड कितनी हम में चलते हैं। शुक्रिया अभिषेक भाई, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए तो आप देखिए और सुनिए कैसा लगा, कमेंट करिएगा। और मैं हूँ अभिषेक।